तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ रक्षित टंडन। तो आज हम पहुंचे हैं हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में, जहां पे लगातार कई दिनों से बूस्टर डोज लगाई जा रही हैं और लोग काफ़ी मात्रा में यहां पे पहुंच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस साल भारत ने एक और उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। लगभग 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन का कार्य अभी तक पूरा हो चुका है। और अगर मैं बात करूँ, हर नागरिक ने पहली डोज लगवा ली है और साथ ही दूसरी डोज भी लोगों ने लगवा ली है। जिन्होंने लगवा ली है वो आज यहाँ पे बूस्टर डोज लगवाने पहुँचे हुए हैं। तो चलिए हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो बूस्टर डोज लगवाई है और पहली वैक्सीनेशन कब उन्होंने लगवाई। तो अभी हमारे साथ हॉस्पिटल का स्टाफ मौजूद है। आइए मैम से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है और कितने लोग पर डे यहाँ पे वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। मैम आपका नाम? मैम किस तरीके से वैक्सीनेशन चल रहा है और कितने लोग यहाँ पे पर डे आ रहे हैं? यहाँ पे 18 से 59 ईयर्स का भी स्टार्ट कर दिया, पहले तो 60 से अब वालों को लग रहा था। यहाँ पे मतलब 454 लग रहे हैं, 400 पर लग रही है वैक्सीन। मैम देश ने 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी पूरा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब सही कर रही है गवर्नमेंट। और लोग मैम कितने जागरूक हैं वैक्सीनेशन को लेकर? आ रहे, मतलब लोग आ रहे लगाने के लिए। आ रहे, तो ये यहाँ पे सारी तरीके की कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोर्बेवैक्स, कोवैक्सीन तीनों लगे। थैंक यू। तो सर देश में 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन का कार्यकाल पूरा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये पूरे विश्व में एक ऐसा अभियान था जिसकी सफलता पर जिस समय यह अभियान लॉन्च हुआ था तब ये कहा जा रहा था कि पोलियो जैसा टीका जो आज तक बच्चों को नहीं लग सका, ये वैक्सीन कैसे जो है लोगों को लगाएंगे। मोदी जी जो कह रहे हैं मैं सबको वैक्सीन लगा दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसी वैक्सीन लगा के विश्व में ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और अभी भी अब देखिए कुछ समय तक क्या है कि अभी ये फर्स्ट डोज लगी और उसके बाद सेकेंड डोज लगी, अब क्या है तीसरा बूस्टर डोज। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर जो 75 दिन का एक चल रहा है 75 वर्ष, उसमें उन्होंने एक 75 दिन अभी तक जो है जैसे बूस्टर डोज थी उस बूस्टर डोज को जो है कुछ अलग मतलब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग पैसों से पेड़ लग रही थी, लेकिन अब क्या हुआ मोदी जी ने इस उपलक्ष्य पे, क्योंकि वो थोड़ा सा वो सापेक्ष घट गया था लेकिन कोरोना ने फिर थोड़ा सा अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। तो सर भारत ने 200 करोड़ कोविड टीका वैक्सीनेशन का एक और बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है, तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से वैक्सीनेशन हुई और आपने दोनों डोज लगवाई हैं, किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं देश का नागरिक होने के नाते मेरी भी कहीं जिम्मेदारी बनती है, और कोविड-19 एक ऐसी बीमारी थी जो ना कि देश की वो विदेशों तक में जो है वर्ल्ड की बीमारी थी, तो उसमें मैंने दोनों वैक्सीन जो है लगाई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि हमने अपनी बीमारी से लड़ने के लिए खुद भी जो है अपना प्रयास किया है, और उस प्रयास को ये है कि सरकार की ओर से जो हमारे लिए गाइडलाइन आई थी उसका पूरा हमने पालन करा है, और पालन करने के साथ साथ जो है उस समय हमारी दुकानदारी के हिसाब से जो है कोविड-19 में जब भी बंदी रही बाज़ार का, तो हमने पूरा सहयोग कर जो है प्रशासन शासन का और सरकार की एक किस्म की मदद करी है, और मदद के साथ साथ जो है हमने अपने परिवार के लिए भी अपने आप को सुरक्षित करा है, और मैंने दोनों कोविड इंजेक्शन लगाए हैं और साथ में मैंने अपने परिवार के भी लगवाए हैं। तो सर देश में 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड पूरा किया है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कोरोना काल में जो हमारे देश का टीकाकरण की जो हमारे टीका उपलब्ध कराया, स्वदेशी टीका निर्मित, और उसके फलस्वरूप देश में जो 200 करोड़ रुपए, ये अभूतपूर्व एक मतलब ऐसी चीज अचीवमेंट है जिसको पूरे विश्व में जिस मतलब भारत की प्रशंसा हो रही है जैसा के लिए। और जो भारत का जो स्वनिर्मित टीका है, भारत ने भी मतलब अपने तो टीकाकरण पूरा करा ही करा, और साथ में जो अपने सहयोगी देशों हुए उनकी भी सेवा करने का सेवा जो टीका के रूप में प्रदान करी है वो भी एक अभूतपूर्व मिसाल है इसमें। तो देश ने पिछले कुछ दिन पहले ही 200 करोड़ का अपना लक्ष्य को पूरा किया और कोविड वैक्सीनेशन को लेके लोग जागरूक हुए, लोगों ने वैक्सीन लगवाई, लगातार वैक्सीन लगी और बूस्टर डोज लगातार लगना शुरू हो चुकी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में पिछले 15 जुलाई से जो लोग 18 साल से ऊपर हैं उनको फ्री कोविशील्ड कोवैक्सीन लगाई जा रही है, और मेरी उन लोगों से अपील है जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है कृपया जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट हल्द्वानी से, मैं था आपके साथ रक्षित टंडन, मेरे सहयोगी के रूप में मेरे साथ मौजूद है आपशार बख्श, धन्यवाद।